अस्सलाम वालेकुम मम्मी फैरी ब्लॉग एंड कुकिंग में आपको खुश आमदीद। लें बच्चों, आज मैं आपको तिली बनाने का तरीका बताती हूँ। निहायत ही आसान है, बस काटने का कमाल है इसका और बनाना भी। देखिए कितने आसान तरीके से बनती है। वो ये है कि इसको धो के अच्छी तरह खुशक कर लिया है। अब इसको मैंने ऐसे ऐसे पकड़ कर अकेले हाथ से नहीं होने, ऐसे ऐसे इसको पहले हमने ऐसे ऐसे पीस काट लेंगे, ठीक है। उसके बाद इसके ऐसे छोटे छोटे पीस काट लेंगे। धोबिए इसका सारा ब्लड जो था ना एक्स्ट्रा, वो निकल गया। धो धो के देखें सर, कलर चेंज हो गया। वरना तो पहले बड़ा खौफ हो रहा था, बच्ची बताई। ये देखें, थोड़ा सा मैंने नमक डाला है। आपको जितनी ज़रूरत है आप डाल सकते हैं। और थोड़ी सी सुरख मिर्च भी। बस इसको इसी तरह मिक्स करना है और इसमें कुछ नहीं डालना। बस ये देखें, बस ये दो चीज़ें। और बनेगी कितनी आसानी से, ये देखें। फ्राई पैन में मेरा गर्म हो गया और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब मैंने साथ ही ये चीज़ें भी डाल दी। जब हम काट रहे थे तो हमारे हाथ सारे ब्लड से भरे हुए थे और बच्ची तो मेरी बहुत ही परेशान हो गई। देखे कहती, मम्मी ये क्या कर रही है, ये कोई चीज़ है खाने वाली। मैंने कहा, बेटे ये बहुत फायदेमंद होती है, ये खून बनाती है और ये खानी चाहिए। वो तो जनाब बड़ी मुश्किल उसने कटवाई भागी। फिर मैंने जब इसको धोया अच्छी तरह, तो आप देख लें कि कोई पता चल रहा कि ये वही वाली है। अभी अब ये बनेगी तो नहायत ही लजीज और मज़ेदार बनेगी और ये बहुत जल्दी बन जाती है। देने बहुत थोड़ी सी रह गई है, देखने में कितनी बड़ी थी। जैसे जैसे अब ये पकेगी ना तो ये और श्रिंक होती जाएगी। ये मेरी हो गई है तैयार। देखिए कितनी बड़ी थी आपके सामने, जो पक के कितनी ज़रा सी रह गई है। अब मैं इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ आपको। ले जी, ये हमारी तिली तैयार हो गई है। मैंने भुनी है, बनाइएगा, खाइएगा और बताइएगा कि कैसी बनी। और देखें कैसे झटपट ही बन गई है ना, कितनी आसानी से बनी है। मैंने कितना आसान तरीका आपको बताया है। सिर्फ जस्ट इसमें मैंने नमक और मिर्च डाली है, लेकिन इसे जब कटिंग करनी है अच्छी तरह धो के आपने इसको कटिंग करना है। कटिंग कर ली, फिर कटिंग करने के बाद फिर आपने इसे धोना है अच्छी तरह। अच्छी तरह धोना है ताकि इसका जो ब्लड है ना, जिससे बच्चियों का देख के दिल ख़राब होता है, वो ना हो और वो ठीक हो जाए। अच्छी तरह धोने के बाद जब इसे धोया है तो ये ऑटोमेटिक ही ये काफ़ी कम हो गई है। जब मैंने पकाई है तो ये सारी शिलिंग होकर ज़रा सी रह गई है। अब आप बनाइएगा, खाइएगा और बताइएगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब लाजमी किया करें और ख़ुद भी करें, दोस्तों से भी कराएँ। बताएँ कि मैं कैसा काम कर रही हूँ। मुझे कमेंट्स में लाजमी बताया करें कि मेरी जो चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ, बना के डिशें बना रही हूँ, कैसी लग रही हैं आपको। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आएगी। जो देश में हैं, जो परदेश में हैं, सबको अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। अल्लाह ताला सबको ज़िंदगी दे, से तंदुरुस्ती दे। और मेरे लिए भी दुआ किया करें कि अल्लाह ताला मुझे बिस्तर के मुताजी से बचाए। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ कि अल्लाह हाफिज़।